गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो गाइस आज है गणेश चतुर्थी, गणपति बाबा हमारे घर आने वाले हैं। तो घर पर तो गणेश जी बिठाएंगे ही बिठाएंगे हम लोग, और शॉप पे बिठाएंगे तो घर का तो घर वाले संभालेंगे और शॉप का हम संभालेंगे। तो शॉप पर आज हम लोग गणेश जी का छोटा सा पंडाल बनाएंगे। तो गाइस कल हो रही थी बारिश तगड़ी वाली और आज आ गया है भाई, मौसम खुल गया है, देख सकते हो आप धूप आ गई है। और आज मम्मी घर पे है नहीं, मम्मी जीजी के यहाँ पे गई हुई है, तो वो आने वाली है, जिया जी उनको छोड़ने वाले हैं। अगर वो जिया जी नहीं छोड़ते उनको तो वो मुझे फ़ोन लगा लेंगे तो मैं उनको लेने चले जाऊँगा। सो गाइस नवरात्रि और गणेश जी का टाइम हमारे महू और इंदौर में बहुत तगड़ा माहौल होता है, वैसे हर जगह होता है, लेकिन हमने तो यही का माहौल देखा है शुरू से आज तक, तो हमें यहाँ का बहुत पसंद है। तो अभी मार्केट में ना हर जगह 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 पंडाल बने हुए हैं, जगह जगह मूर्ति की स्थापना की गई है। तो अगर ये 8-10 दिन के बीच में एक बार कभी भी टाइम मिला ना तो हम लोग घूमने जरूर चलेंगे, और मैं आपको सारी जगह दर्शन कराऊंगा और हर जगह दिखाऊंगा कहाँ पर कैसा सजा हुआ है, कहाँ पे क्या कैसी मूर्ति बिठाई हुई है। अभी हमारे पास सबसे पहला काम है, हम नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग चलेंगे कोदयाली शॉप पे, कोदयाली शॉप से फिर चलेंगे पलासारी शॉप पे, क्योंकि आदेश भाई आने वाले हैं, शायद आने वाले हैं नहीं आने वाले मुझे अभी पता नहीं, अभी मैं फ़ोन करके पूछ लूँगा। अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो फिर हम निकल लेंगे। तो वैसे अभी पहला काम करते हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि आज घर पे मैं और मेरा छोटा भाई है, बाकी तो कोई है नहीं, मम्मी है नहीं अभी। तो फटाफट तैयार हो जाते हैं और घर भी देख लेता हूँ कहाँ पे ऐसा कोई गेट वेट खुला तो नहीं, खिड़की वेट खुला तो नहीं। हमारा न्यूज़पेपर आ गया है भाई, देख रहे हो न्यूज़पेपर पे भी गणेश जी की फोटो, वाह आते ही दर्शन। वैसे ये हमारी लाल परी, जैसे मैं आपको बताया था ना कल कि इसके टायर बहुत स्कीट हो रहा है भाई, अभी थोड़ा सा दूर हटाता हूँ मैं, ये देखो ये दिख रहा हो, अरे पैचेस बनना शुरू हो गए, मतलब ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। ये वाला बैक टायर देखो पूरा स्लिपरी हो गया भाई, लेकिन गाइस बाइक बहुत प्यारी है। तो भाई जी हमारी मम्मी आ गई है, ये देखो आते चिल्ला छोड़ सको डंडी लेके आई सीधी कई करे थे हमें, अभी कहीं नहीं माना तारा बाप का नौकर हो गए आ जाओ के दो लग जाएगी ये डंडे तो मैं अगला से बेल पत्तन में लगाने के सभी पत्तन लगाने का ले लाई। हां ओ दीदी के यहां पर कल पूजा पाठ थी तो मम्मी वहां गई थी, वाह हम तो वहां मंदिर भी गया था। कौन सा मंदिर? वाह गणेश मंदिर में एक बार संत भगवान का मंदिर वो अंदर ही मठ है, बहुत दूर है ना गया था। हां ये हमारी कोदयाली शॉप, यहाँ से हमें वहाँ के लिए कुछ लेना है, और वो है आदेश भी हम आ गए हैं दूध डेयरी पे और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बस यहाँ से घी लेना है क्योंकि वहाँ पे हम घी का दिया लगाएंगे, तो अभी गणेश जी उठाएंगे तो घी का दिया लगाएंगे, तो हम यहाँ से घी ले लेते हैं। ये हमारा बहुत मेहनती छोरा है, दो शब्द बोल दे तेरी तरफ से। गवर्नमेंट गवर्नमेंट तिरुपति गवर्नमेंट, ये आदेश भैया कुछ आदेश भैया क्या क्या कर रहे हैं? दिया लगाने के लिए, घी लगाने के लिए, गणेश जी को दिया घी का लगाएंगे। ए पेट्रोल चोर तो पेट्रोल चोर है भैया, पेट्रोल चोर है, लगे तो कहाँ भी लगे, तो वहाँ लगे, तो यहाँ लगे, तो लगे तो यार लगे तो सीधी करी के तो हमारे एक और भाई पेट्रोल छोड़ी रहे हैं, फिर भी पेट्रोल जोन नाम तुम्हारी गाड़ी चोरी, तो हमने तुम हमारी चलो गाड़ी ली जाऊ तुम्हारी गाड़ी तुम दो क्यों गरम करो रे भैया, हमारे ग्रुप में बहुत मेहनती छोड़ रहे हैं सारे, एक यहाँ लगा हुआ है, लाइक करें सब्सक्राइब करें फॉलो करें बस छुट्टी। हमारा चेतन हमें देसी घी दे रहा है बिल्कुल, दिया बत्ती लगा ये कंजूसी कर रहा है आदेश भैया, क्या बोल रहा है ये बहुत कंजूसी कर रहा है, ये कंजूसी कर रहा है, ये देखो रहा छान छान के दे रहा है उसके अंदर से पतला पतला निकाल के पतला है, पूरा गाढ़ा गाढ़ा दे रहा हूँ। ओह ये ताकि तुम्हारी बत्ती आराम से चले जाए, बता देता हूँ ये कितने दिन चल जाएगा आदेश भैया, कहीं से चल जाएगा एक हफ्ते से, मतलब एक हफ्ते बाद फिर आए हम रमेश भैया यार टाइम नहीं दो यार, रमेश दा यार दिन दे रहे हैं, डालो अभी जा रहे हैं, ले लो
आप हाथ खुल गए हमारे दोस्त है इनकी शॉप है तो यहाँ से हम थोड़ा मंदिर डेकोरेशन सामान ले लेते हैं। इसके अंदर क्या इतने इतने लाएंगे इसके अंदर और 5 रुपए का आता पैकेट दो दे दो ये बैटरी वाली अच्छा तार वो है ये भी है कौन सा वाला भी ये कितने का आता है 80 रुपीस 80 रुपए वैसे हमने कुछ डेकोरेशन में सामान लिया है एक ये लिया है ये भी है और एक छोटा हार लिया है आर्टिफिशियल कितने का इसके 20 बेस्ट हां तब मैं उधर से निकल आता तब देखा था वाह। सो गाइस अभी हम शॉप पर आ गए हैं। आदेश भैया थोड़ा उनको कुछ काम आ गया था तो वो मार्केट गए हुए हैं और सारा डिस्प्ले हम लोगों ने जमा दिया है। ये सारा कुछ आदेश भैया साथ में जमा के चले गए हैं और ये हमारा मंदिर है जहाँ पे हम लोग गणेश जी बिठाएंगे। तो अभी इसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं, थोड़ा जो भी हम लोग सामान लेके आए उसका डेकोरेट करते हैं और फिर और ये तुम्हारा भाई तो भी फटाफट ये सारा कुछ डेकोरेट करते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कैसा है। तो वैसे ये इसका नाम है देवराज। इसकी चमक देख रहे हो चेहरे का ये इतना धूप में खेलता है और ये अभी हमारे लिए पानी लेकर आया ये और एक ये बॉटल। लाइक करो फॉलो करो। तो अभी देवराज ना हमारी हेल्प करेगा मंदिर बनाने में, ठीक है बोल। हाँ लाइक करो फॉलो करो। तो गाइस ये डेकोरेशन का हम जो आदेश भाई और हम सामान लेकर आए थे उसमें ये हम लोग फर्रियाँ, हम तो फर्रियाँ बोलते भाई, तो ये फर्रियाँ लेकर आए थे। इसको लगाने के लिए रिवर्सिबल टेप लानी है तो वो देवराज लेने के लिए गया, वो हम लोग भूल गए थे। तो इसको लगाएंगे, चिपकाएंगे और मंदिर को और अच्छा सजाएंगे। सो गाइस फाइनली हमारे पास रिवर्सिबल टेप आ गया है तो अभी फटाफट हम लोग ये सारी फर्रियाँ मंदिर में लगा देते हैं और ये बहुत हेल्प करने वाली भाई हमारी क्योंकि इसके बिना मुश्किल था लगाना। वैसे हमारे पास टेप था ये काला वाला था जिसे तार वगैरह चिपकाते ना भाई, लेकिन उसका कोई काम नहीं था तो ये जाए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए। तो ये फटाफट मंदिर सजा लेते फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई मंदिर सजाने का काम हमारा हो गया है और आदेश भी हमारा आ गए हैं। थोड़ा सा काम कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं आदेश भैया थोड़ा नहीं, बहुत काम कर रहे और वहाँ हमने रोका वो पानी पता से वाले को भाई को। अब हम जाएंगे पहले पानी पूरी खाएंगे और यहाँ हमारा मंदिर सज चुका है भैया। चलो क्या अभी तो क्या हमने मंदिर पूरा सजा दिया है, डेकोरेट पूरा हो चुका, गोली वाले लाइट आइट वगैरह, बाकी आधा तो काम गोली वाले नहीं करा इसमें हम तो थोड़ा बहुत हाथ लगाने आया था, बाकी काम तो हो चुका, पप्पा को लाना बस थोड़ा उसको सामान लेके आ गए भैया, बाकी हार फूल वगैरह ये बोलो भैया। तो गाइस हमारे गणेश जी आ गए हैं, अभी हमने जरा ढक ढुक के रखे हुए हैं, वो स्थापना होते जब भी चेहरा दिखाते और ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। अपन सोचते हैं छोटी सी लाइट लगा देंगे इसके अंदर। हां लाइट लगाने की बात है। तो वैसे पूजा पाठ का सारा सामान आ गया है, मिठाई हार फूल केले और गणेश जी और मंदिर तैयार है। बस फटाफट भगवान की स्थापना करते हैं और आरती करते हैं। तो हमने कुछ तार फैला कर रखे हुए हैं और यहाँ आदेश भी नया फोकस लाइट लेके आए हैं, उसको लगा रहे हैं सेट कर रहे हैं ताकि हमारे गणेश जी पर थोड़ी सी लाइट आ जाए। तो ये हमारी दुकान पे भाई पहली बार गणपति जी आ गए। ओ माय गॉड अजय, तो गाइस हमारे बीच में अजय भी आ गए हैं। ये तो बड़ी स्पेशल एंट्री दे दी तुमने आज, गणेश जी की स्थापना करी हमने अभी। हम्म, वाह वाह।
सारा उधर में समायो, माया सुर की माया पर में मिटायो, पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन हे सिद्धिदाता। लंबोदर लंबोदर।